सर जानना चाहेंगे कि जो जेल के बंदी हैं इस टाइम बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, कितने बंदी किस किस क्लास की परीक्षा दे रहे हैं और किन क्या क्या केस हैं उन पर, और सेंटर कहाँ पर गया है, क्या व्यवस्था रामपुर जेल प्रशासन की तरफ से? देखिए, हमारे यहाँ जिला कारागार रामपुर में जो है इस वर्ष में 5 बंदी हमारे ऐसे हैं जो हाईस्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक बंदी इंटर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इनके लिए जो है कि कारागार में जब ये निरुद्धि दौरान इनके लिए जो भी पढ़ने लिखने के लिए जो कुछ भी साधन संभव होते हैं, कॉपी किताब वगैरह, इन सब चीज़ों को उपलब्ध करवाया गया था इनको। और साथ ही कारागार में जो है कि शिक्षा विभाग से 2 अध्यापक भी नियुक्त हैं यहाँ पर, तो वो लोग भी इनको यथासंभव जितनी हेल्प हो सकती है उनके द्वारा इनको मिलती है। तो कारागार में इनकी तैयारी के लिए जितना अच्छे तरीके से व्यवस्था की जा सकती थी वो की गई, और इसीलिए ये बंदी जो अब एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ से इनका जो सेंटर बना है ये केंद्रीय कारागार बरेली में बना हुआ है। तो इनको बरेली जो है कि 22 तारीख से इनके एग्ज़ाम है, तो उसके पहले इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो जैसे जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बंदी काम काज सीख रहे हैं और उसके बाद ये पढ़ाई का सिलसिला, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो उपलब्धि माना जा सकता है जेल की तरफ से? देखिए, ये जेल प्रशासन का और शासन के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपेक्षा है कि लोगों में कौशल विकास हो, तो कारागार विभाग के निर्देशानुक्रम में रामपुर जो जेल है यहाँ पर भी जो बंदी निरुद्ध होते हैं और उनको किसी भी तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण अगर दिया जा सकता है तो देने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे बंदी जो किन्हीं कारणों में जेल में हाथ हो गए हैं परंतु प्रवृत्ति से ठीक है और पढ़ने लिखने के इच्छुक भी हैं और कोई अन्य हुनर भी अगर सीखना चाहते हैं तो उनको जो है कारागार प्रशासन की तरफ से ये कोशिश किया जाता है कि वो जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसके लिए उनकी व्यवस्था की जाए। तो कौशल विकास मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पे विभिन्न जो विषय हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनका प्रशिक्षण यहाँ करवाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन का हुआ और सिलाई कढ़ाई का हुआ, कारशॉप का काम हुआ, ये सारी चीज़ें। और साथ में जो बंदी पढ़ने में अभिरुचि रखते हैं उनके लिए भी जो है कि किताबें और कॉपियाँ वगैरह ये सब और लेखन सामग्री, पाठ्य सामग्री, शिक्षक आदि की व्यवस्था की जाती है कि अपनी रुचि के अनुसार जो पढ़ना चाहे उनको पढ़ने के लिए जो है साधन हम लोग दे पाएँ।